सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन देसी घी को और घी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डिलीवरी के बाद देसी घी खाने की सलाह भी दी जाती है। बुजुर्ग महिलाएं तो यहां तक कहती हैं कि घी का सेवन करने से डिलीवरी के बाद शरीर बड़ी तेजी से ठीक होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में डिलीवरी के बाद देसी घी खाना महिला के लिए फायदेमंद है? वीडियो में जानिए कितना और कौन सा घी डिलीवरी के बाद आपके लिए फायदेमंद होगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद देसी घी का सेवन करना महिलाओं के लिए अच्छा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घी का सेवन काफी अधिक करने लगें या फिर घी को पीने लग जाएं। अब सवाल है कि कौन सा घी खाना चाहिए। घी भी बाजार में कई प्रकार के मौजूद हैं और आप घर में भी घी बनाते होंगे, लेकिन इनमें से कोई घी आपके लिए उतना सेहतमंद नहीं है जितना देसी गाय का घी माना गया है। जी हाँ, देसी गाय के घी में हर प्रकार से आपको सेहतमंद करने की ताकत होती है। देसी गाय के घी में एनर्जी, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो माँ और शिशु दोनों के लिए फायदेमंद है। ये वजन बढ़ाता नहीं है बल्कि वजन को घटाने में भी फायदेमंद है। शुद्ध देसी घी खरीदने के लिए इस वीडियो के अंत में एक लिंक दिया गया है जिसे अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। आइए आगे आपको बताते हैं डिलीवरी के बाद कितना और किस मात्रा में देसी घी खाना स्वास्थ्यप्रद रहेगा। डिलीवरी के बाद महिलाओं का शरीर कमजोर हो जाता है। कमजोरी से बचने के लिए देसी घी खाना फायदेमंद है, लेकिन अगर आप सामान्य घी खा रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से इसका सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपका वजन भी बढ़ाएगा और सामान्य घी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को भी बढ़ाता है। अगर आप शरीर में देसी घी का सकारात्मक प्रभाव देखना चाहती हैं तो हर दिन गर्म दूध के साथ एक चम्मच घी का सेवन जरूर करें। देसी घी डिलीवरी के बाद शरीर में होने वाली सूजन को कम करता है, तो अगर आपकी भी डिलीवरी अभी अभी हुई है तो आप अपने आहार में घी को शामिल जरूर करें। देसी घी का सेवन गर्भावस्था के दौरान ही शुरू कर देना चाहिए। इस दौरान शरीर में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए देसी घी का सेवन शरीर की जरूरत समझी जाती है। इससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं, लेकिन ये ना भूलें कि अधिक मात्रा में इसका सेवन बच्चे के वजन के साथ माँ के शरीर को भी नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे प्रसव के दौरान कई दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए घी हो या देसी घी, अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। यह आपके लिए कितना जरूरी है, कितनी मात्रा में आपको इसका सेवन करना है, ये सब आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इसके अलावा देसी घी से जुड़ी और जानकारी के लिए आप वीडियो पर दिए लिंक पर जरूर जाएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इंडियन देसी घी को और घी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।